Welcome back to my channel everyone, this is Ankita and you're watching Scoot with Anku. So, आज है संडे एंड आज मम्मी मेरा और मेरी छोटी बहन का घूमने का प्लान बना है आसपास मुंबई में. सो यहाँ पे एक हमारे हम रहते हैं कांदिवली में और कांदिवली के बाजू में आता है बोरीवली. तो बोरीवली ईस्ट में एक बहुत ही फेमस मंदिर मतलब अभी नया नया इनॉग्रेट हुआ है. अब भी नहीं कह सकते मतलब हो गया अभी कितना साल हुआ आई डोंट नो, बट रिसेंटली खुला है वो. तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर है, हमने फोटो में उसे बहुत देखा था. तो हमने सोचा कि लेट्स गो एंड दर्शन लेके आते हैं मंदिर में, देखते हैं. अभी भी मुझे आइडिया नहीं किस चीज़ का मंदिर है वो, लेट्स सी वहाँ जाके कौन से भगवान का मंदिर है देख लेते हैं. मैं आपको मिला तो मेरी छोटी बहन से. हेलो. सो शी इज़ माय लिटिल सिस्टर और रिसेंटली उसने बहुत ही बड़ा एग्जाम क्रैक किया है. प्लीज़ कौन सा एग्जाम का बताइए. नीट पीजी फॉर एमडी एंड एमएस. ओके. सो मतलब जो एमबीबीएस करने के बाद जो बच्चे एग्जाम देते हैं एमडी डॉक्टर के लिए. इसको बहुत घाई रहती है, शर्मीली. सो इसने रिसेंटली बहुत ही अच्छे मार्क्स से वो एग्जाम पास की है. सो इसकी खुशी में हम निकल रहे हैं एक्चुअली घूमने के लिए. तो बाद में देख आपको बताऊंगी मैं इसके बाद क्या वो बनने वाले हैं क्या नहीं, तो आगे का प्रोसीजर बाद में बताती हूँ. बट आज हम जाते हैं त्रि मंदिर विजिट करने. सो लेट्स गो. अब कैसे जाना है कैसा अभी हम लोग कोई मालूम नहीं है. तो अभी अपना रिसेंटली मेट्रो हमारा खुल चुका है, एक बहुत ही अच्छा पड़ता है उससे ट्रैवल करना. सो उसी से हम जाने वाले हैं ईस्ट में, बहुत ही घूम के जाना है. तो चलता है, मेट्रो में मज़ा आता है, बहुत ही अच्छे अच्छे व्यूज दिखाई देते हैं. चलो गाइज, दिस इज़ आवर मेट्रो स्टेशन एंड शी इज़ माई मॉम. तो चलो टिकट निकालते हैं. मम्मी. तो गाइज अभी हम हैं धानुकर मेट्रो स्टेशन में एंड अभी हम जाएंगे नेशनल पार्क मेट्रो स्टेशन. तो वहाँ से बहुत नज़दीक है, वहाँ से आप नेशनल पार्क भी जा सकते हो और वो त्रि मंदिर भी जा सकते. ट्रेन हमारी आ गई कि जा रही है? जा रही है लगता है. छूट गई ट्रेन. तो गाइस अभी आज संडे से शायद थोड़ा लेट होगी ट्रेन, मतलब थोड़ा डिले रहता है संडे के दिन. तो अभी हम वेट कर रहे हैं हमारे ट्रेन का एंड देन हम उतरेंगे नेशनल पार्क वाले स्टेशन पे. तो गाइस अभी हम उतर चुके हैं ओवरी पाड़ा स्टेशन. यहाँ से नज़दीक पड़ता है त्रि मंदिर ओवरी पाड़ा एंड मेट्रो स्टेशन में आपको वॉशरूम भी मिल जाते हैं, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और एकदम साफ़ सुथरे वॉशरूम रहते हैं. ये देखिए अंदर से ही बहुत ज़्यादा क्लीन है. सो अच्छा है. सो यहाँ से अभी हमें बस 7-8 मिनट लगेंगे त्रि मंदिर पहुँचेंगे. अभी हम ओवरी पाड़ा उतरने के बाद ये वाला जो ब्रिज है पब्लिक ब्रिज है वो साइड जा रहे हैं, बिकॉज वो साइड से हमें रिक्शा मिलने वाली त्रि मंदिर जाने के लिए. तो आपको मैं दिखाती हूँ हमारा वेस्टर्न हाईवे. ये देखिए गाइस हमारा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ये सीधा जाएगा बांद्रा तक और यहाँ से सीधा जाएगा गुजरात राजस्थान सब जगह. चलिए चलते हैं हम इस बाजू. सो गाइज वी हैव रीच्ड. ये देखिए ये मेन गेट. वाओ कितना सुंदर मंदिर है ये. तो यहाँ पे गाइज खाने पीने की भी सुविधा है और अभी हम एक मल्टीमीडिया शो देखने जा रहे हैं फर्स्ट, देन हम अच्छे से अंदर घूमेंगे मंदिर के दर्शन लेंगे. राइट साइड का व्यू दिखाती हूँ. जय श्री कृष्ण. हमारे दर्शन हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर है. तो ये मंदिर बेसिकली सब मतलब सभी भगवान की मूर्ति, यहाँ पे शिव भगवान भी है
तो बहुत ही अच्छी लोकेशन पे मंदिर, तो मुंबई में अगर आप रहते हो तो ज़रूर यहाँ पे विजिट कीजिए। बोरीवली स्टेशन से आओगे तो काफ़ी नज़दीक पड़ेगा आपको, एंड मेट्रो से आना है तो राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क का जो स्टेशन है वहाँ पे आपको उतरना है। अभी आपको मैं एक वाइड व्यू दिखा दूँगा का। तो गाइस अगर आप त्रि मंदिर आते हो तो जैसे आप मेन रोड पे आओगे तो मेन रोड के लेफ्ट साइड में ही आपको नेशनल पार्क भी आप घूमने जा सकते हो, वो भी बहुत ही देखने ऐसी जगह है, बिकॉज एकलौता जंगल है हमारे मुंबई में। तो वहाँ पे आप लायन सफारी भी कर सकते हो, डियर्स, वहाँ पे ट्रेन भी अंदर घूमती है, टॉय ट्रेन, वो भी आप घूम सकते हो। और वहाँ से ही आप बाहर और निकलोगे तो हाईवे पे ही आपको एक मेट्रो स्टेशन मिलेगा, नेशनल पार्क मेट्रो स्टेशन। तो वहीं से आप ट्रेन पकड़ के वापस जा सकते हो, और सीधा सीधा जाओगे नेशनल पार्क से निकल के तो आपको लोकल ट्रेन की सुविधा भी है नज़दीक ही। सो ये रहा हमारा मेट्रो स्टेशन, और इसी से अभी हम जाएंगे हमारे रूट पे, यानी कि वेस्ट साइड में। अभी हमें ईस्ट में देखिए एयरपोर्ट जैसे यहाँ पे पानी पीने की सुविधा है, तो आज हम ट्राई करेंगे कि इसको पानी कैसे पिया जा सके। ये देखिए मेरा मुंह पूरा भीग चुका है, जितने भी लिपस्टिक पाउडर लगा था निकल गया, तो मुझे लगता है इसी के लिए उन्होंने बनाया है मेकअप निकलने के लिए। तो चलो चलते हैं, अभी लंच करने जा रहे हैं हम लोग। आज हमारा एक्चुअली मम्मा डॉटर डे आउट है गाइस, जरा हाय हेलो तो करो यार। तो अच्छा लगा घूम के, कैसा लगा मंदिर? बहुत अच्छा, कैसा लगा मंदिर? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और लोकेशन भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो एक बार तो विजिट बनता है। करना अभी हम आए लंच करने के लिए बंजारा ढाबा में, जो कि बोरीवली में काफ़ी फेमस है।